तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। 21 दिन से आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उनसे जान लेते हैं कि बातचीत का जो डेडलॉक आया है वो कब दूर होगा, कैसे समाधान निकलेगा। देखिए, फिलहाल समाधान निकलने की कोई संभावना नहीं है। जितना वो दे रहे हैं उतने पे हम राजी नहीं हैं, और जितना हम मांग रहे उतना वो दे के राजी नहीं हैं, क्योंकि वो पूरे देश का एग्रो बिजनेस है उसको कॉरपोरेट के हवाले करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट उनको पैसे देता है चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए। उनके फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं, देश की जनता के फायदे के लिए कानून नहीं बनाए गए। तो पूरे देश की जनता को लुटवाना चाहते हैं, और ये ऐसा हालात हो गया कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद और सभी वर्गों का समर्थन मिलने के बावजूद उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो ये लोगों की सरकार नहीं है। जो लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाती थी, वो सरकार कॉरपोरेट के द्वारा कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट की सरकार वो बन के रह गई है। तो जो लोगों की सरकार नहीं बची, और ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है, अनदेखी है लोकतंत्र। सर, आप क्या मांग रहे हैं और सरकार दे क्या रही है आपको? हम मांग रहे हैं तीनों कानून पूरी तरह से वापस, और जो MSP की गारंटी का कानून है वो 100% गारंटी जो फसल है हमारी वो MSP पे खरीद दी जाए। तो वो लेकिन सरकार ने भी आपको एक मसौदा भेजा है। वो मसौदे में तो कुछ है ही नहीं जी, उस मसौदे MSP की गारंटी बता रहे हैं। नहीं, MSP की गारंटी नहीं, यहाँ गुमराह कर रहे हैं। मैंने अमित शाह जी से सवाल किया था, जो 8 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, और मैंने बड़ा साफ तौर पे सवाल किया था उनसे, और आज भी करता हूँ कि अमित शाह जी, क्या आप 23 फसलें जिनका MSP सरकार तय करती है वो पूरे देश से 100% फसल आप MSP पे खरीदने के लिए तैयार हो? उनका जवाब था नहीं। उनका जवाब था कि 17 लाख करोड़ का बजट खर्चा आएगा, हमारे पास नहीं है। मैंने उनको कहा कि ये भी गलत आंकड़ा दे रहे हो आप, 17 लाख करोड़ की उनकी कुल कीमत बढ़ती है, उसमें से बिकेगी भी तो आपको घाटा जो पड़ेगा वो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का ही पड़ेगा, और 2 लाख 3 लाख करोड़ खर्चना इतने देश की जनता के लिए 60% आबादी के लिए वो ज़्यादा नहीं है। आप कॉरपोरेट को बहुत दे रहे हो, तो उसका भी उनके पास जवाब नहीं था। और जो अगला सवाल मैंने रखा था कि अगर आपके पास खरीदने की गुंजाइश नहीं है, व्यापारी खरीदे, तो आप व्यापारी के और MSP के जो बीच का अंतर है वो आप हमें कैश में दे सकते हैं, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो वो उस पर तैयार नहीं हुए, MSP पे खरीदने की बात ही नहीं। और अब भी हमारा दावा है आपके चैनल के माध्यम से, हम ये कहते हैं कि अगर सरकार कहती है कि MSP में खरीदेंगे, तो आज भी मोदी जी बयान दे दें कि 23 की 23 फसलें हम 100% खरीदने की गारंटी देते हैं, वो दे दें बयान, हम बात को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सरकार तो कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आप लोग ही बातचीत को नहीं आ रहे हैं। नहीं, बातचीत के दरवाजे खुले नहीं हैं। बातचीत के दरवाजे हमने कभी जाने से इनकार नहीं किया, जितने बार उन्होंने बुलाए उतनी बार गए, उन्होंने 7 बार बुलाए हम 7ों बार गए, हमने कभी जाने से इनकार किया, हमने तो उसके बाद भी इनकार नहीं किया। तो अब सरकार नहीं बुला रही है? नहीं बुला रही है, अब सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, जब बुलाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को आज 21 दिन हो गए हैं, सर्दी बढ़ने लगी है, तो बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी साथ में, कई कैजुअल्टी हो चुके हैं, खतरा और ज़्यादा नहीं होगा? देखिए, हमारे 35-40 लोग मर चुके हैं, कुछ ठंड से, कुछ अटैक से, कुछ एक्सीडेंट से, लेकिन अभी तक तो सरकार शायद नहीं जागी है, और सरकार को किसानों पे कोई तरस किसी तरह का नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं, खुले आसमान के नीचे हम पड़े हुए हैं, अगर बारिश आ जाती है, ठंड पड़ जाती है, तेज हवा चलती है, तो हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। तो कब तक करेंगे इस तरह सड़कों पर? सरकार अगर बातचीत को नहीं बुलाती, आप लोगों ने भारत बंद कर लिया, टोल फ्री कर लिया, अनशन कर लिया, अब आगे क्या? जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और कदम दर कदम हमारी नीतियाँ बदलती रहेंगी। सरकार, भाजपा के जो लोग हैं वो चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं, जब आप लोग नहीं मार रहे तो गांव-गांव जाकर चौपाल लगा कर समझाएंगे? उन्होंने हरियाणा में पहले भी 3 प्रोग्राम कर लिए, एक उनके सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, दूसरा जो 10 सितंबर की रैली थी उससे पहले, एक हफ्ता पहले उन्होंने
सभी हलकों में कम से कम एक किसान सम्मेलन और उसके ज़्यादा कई कई भी किए, और सेंटर से उनके नेता आए, और तीसरा उन्होंने ट्रैक्टरों से रैलियां निकाल के लोगों को समझाना चाहा, लेकिन उनके सारे प्रोग्राम फेल हुए और आगे भी लोग उनको मुंह नहीं लगाए, उनको गांव में घुसने भी नहीं देंगे। गांव में भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा गुरनाम सिंह चढ़ूने का कहना है कि वो पहले भी जो किसानों को समझाने के लिए गांव-गांव जा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन अब भाजपा के लिए गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे समाधान नहीं निकलेगा, और जब तक समाधान नहीं निकलेगा वो इन्हीं सड़कों पर आशियाना बनाकर डटे रहेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।